मैनूं प्यारे विद्यार्थियों, दसवीं जमात की गणित की किताब का पाठ पंजवां अंक गणितिक लड़ियां अभ्यास नंबर 5.3 ते अगले तीन सवाल इस वीडियो में असीं करांगे। तुसीं वीडियो बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो। हल नाल दे नाल अपनी नोटबुक में उतार लो, पर मगरों दी इन्हां सवालों नूं बिना देखे अपने आप करन दा अभ्यास भी जरूर करो। सवाल शुरू करिए। सो दसवां सवाल है बच्चों, कहिंदे दिखाओ कि ए वन ए टू ए थ्री इदा चलते चलते ए एन ते अगे लड़ी चलती पई है तो एक एपी बनती है, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन जिन्होंने असं कहने अंक गणितिक लड़ी बनती है जेकर ए एन जो है हेठ दिते अनुसार परिभाषित होवे। सो पहला भाग है ते दूजा भाग है। हुण बच्चों कोई भी लड़ी अंक गणितिक लड़ी करो हुंदी है जदों उहदे विच सांझा अंतर जिहड़ा है वो हुंदा है, अर्थात दूजे पद चो पहला पद घटाओ जो अंतर आंदा है वो तीजे अंत पद चो दूजे पद का घटाओ जो बराबर होन ते फिर ते वो एपी बनती है, नहीं ते फिर नहीं बनती। ठीक है। सो फिर कहते नाल ही कहते नाल ही हरेक स्थिति विच पहले 15 पदा का जोड़ फल पता करो। ठीक है। सो पहला भाग करते दिता है ए एन बराबर 3 जमा 4 एन। सो जे ए एन है तो ए वन की हो जाएगा 3 जमा एन की जगह 1 पालना है 4 एक। सो 4 1 4 3 और 4 7 आ गया, पहला पद आ गया। दूजा पद 3 जमा 4 ते एन दी जगह 2 बार ना 4 2 8 सो 3 जमा 8 दूजा पद 11 आ गया। फिर ए 3 तीजा पद 3 जमा 4 गुणा 3 4 3 12 12 जमा 3 15। हुण पहला पद 7 दूजा पद 11 तीजा पद 15 ते हुण दूजे पद चो पहला पद घटाया 11 चो 7 के 4 अते तीजे तो दूजा पद घटाया 15 चो 11 घटाया 4। सो दोनों बराबर ने। सो इतने मैं फिर दोबारा लिख दिता है ते थले फिर असी यह कथन लिखना है क्योंकि ए टू घटा ए वन बराबर ए थ्री घटा ए दो बराबर 4 ए भी 4 ए भी 4 बराबर साझा अंतर बराबर डी है, इसलिए ए एन बराबर 3 जमा 4 एन अनुसार ए वन ए दो ए तीन ए एन तो एक एपी बनती है। ठीक है। साढ़ा पहला भाग हो गया। फिर कहते पहले 15 जड़े है ने उन्हों का जोड़फल दसो। सो हम असं जानते हैं कि ए एन बराबर ए जमा एन घटा एक बटा डी। असं 15वां पद लास्ट पद कढ़ांगे पहले वो सहायता नाल असं जोड़फल कढ़ांगे। सो ए 15 हो जाएगा एल लास्ट अंतिम पद। सो ए है 7 जमा एन है 15 घटा एक गुणा डी आया 4। ठीक है। सो 15 जो है 14। सो 7 जमा 14 गुणा 4 14 चौक 56। सो 7 जमा 56 63 आ गया आखिरी पद। तो फिर एस एन जोड़ा होंगे वो एन बटा 2 ब्रैकेट च ए जमा एल। सो एस 15 तुम्हें पहले 15 पदों का जोड़ कटना है जोड़ कटना है। सो 15 बटा 2 पहला पद 7 जमा आखिरी पद 63 7 जमा 63 हो गया 70। सो 15 बटा 2 गुणा 70 70 में दोनों भागे तो 35 35 गुणा 15 आ गया 525। सो इस तरह एस 15 जोड़ा है वो 525 हो गया। सो दसवें सवाल का पहला भाग से आओ दूजा भाग करिए। दूजे भाग विच बच्चे साढ़े को लगा ए एन बराबर 9 कटा 5 एन। ठीक है। सो फिर यही उसी तरीके ना करना है, दिता है ए एन बराबर 9 कटा 5 एन। सो ए वन पहला पद 9 कटा 5 गुणा 1 5 एकम 5 9 चौ 5 गया 4। फिर दूजा पद ए दो 9 कटा 5 गुणा 2 5 दुनी 10 9 चौ 10 गया 18। सो तीजा पद ए तीन बराबर 9 कटा 5 गुणा 3 5 सी 15 9 चौ 15 गया 6। हुण ए दो कटा ए एक कटा एक कटा 4 कटा 5 हो गया ते ए तीन कटा ए दो बराबर कटा 6 कटा कटा 1। सो कटा कटा जमा हो जाएगा कटा 6 जमा 1 कटा 5। सो इतने भी देखो बराबर ने। सो इन लिख के इदा अगे कथन लिख देना है। हुण ए बराबर आए बच्चों क्योंकि ए दो कटा ए एक बराबर ए तीन कटा ए दो बराबर कटा 5 बराबर साझा अंतर बराबर डी जिन्होंने असं कहने है, इसलिए ए एन बराबर 9 कटा 5 एन अनुसार ए वन ए टू ए थ्री ए एन तो एक एपी बनती है। जिवें तुहानूं पहले भी दस्सिया बच्चो, कोई भी लड़ी नूं यह साबित करन लई कि वो एपी बनाती है नहीं बनाती तो की करो, दूजे पद चो पहला पद घटा के देखो अंतर की आंदा है, फिर तीजे पद चो दूजा पद घटा के देखो अंतर की आंदा है, ते भावें चौथे चो तीजा पद घटा के भी देख लो। सो जो जदों बराबर होन साझा अंतर बराबर हो तो एपी बनती है। ठीक है।
हूँ ए एन बराबर ए जमा एन कटा एक डी एंड सू पता ही है। सो असी की करांगे पंद्रहवीं जड़ी हैगी है अपनी वो लड़ी कढ़ांगे, पंद्रह पद कढ़ांगे। सो बराबर एल बराबर चार जमा पंद्रह कटा एक गुणा पांच, ठीक है जी। सो आएगा चार जमा 14 गुणा 14 पंज 70, चार कटा 70 बराबर कटा 68, ठीक है जी। असी सीधा ये जोड़ सकते सी वैसे, ठीक है ना। सो अपना 15 की कहने 15 पंजे 75 ते 75 चो 9 गया 68, इदां भी कर सकते सी पर असी वाला सूत्र वरत्या, ठीक है। जिवें इत्थे 15 पा दिंदा सो 9 कटा 5 गुणा 15, 15 पंजे 75 ते 75 चो 9 गया 68, सो कटा 68, इदां भी कर सकते सी आपां, ठीक है। हुण एस एन बराबर एन बटा 2 ए जमा एल। सो एस 15 किन्ना आ जाएगा 15 बटा 2, फिर चार पहला पद, ठीक है ना, यदा पहला पद चार है गया, सो जमा कटा 68। सो चार चो 66 गया, ए चार चो 66 गया कितना हो जाएगा कटा 62। सो 62 नूं दो नाल कीता भाग ते आ गया कटा 31, कटा 31 गुणा 15 आ जाएगा कटा 465। सो इस तरह एस 15 जिहड़ा हैगा ऋणात्मक 465। और 11वां सवाल देखिए। सो 11वां सवाल है बच्चों, कहिंदे जेकर किसी एपी दे पहले एन पदां दा जोड़फल 4 एन कटा एन वर्ग होवे तां इस दा पहला पद भाव एस 1, पहला पद बच्चों उन्हों ए वन करके भी लिखा जाता है, कला ए करके भी लिखा जा सकता है, तो एस वन भी होता है क्योंकि एक ही पद है, एक पद का जोड़ जोड़ा है वो एस वन भी होएगा, वो अपना जो पहला पद भी होएगा। भाव एस वन की है पहले दो पदों का जोड़फल की है, पहले दो पदों का जोड़फल, दूजा पद की है, इसे तरह तीजा दसवां एनवां पद पता करो। सो सानू दिता है एस एन बराबर 4 एन कटा एन वर्ग। हुण पहला पद बराबर ए या ए वन बराबर एस वन, सो 4 एन की थां एक कटा एन की थां एक, एक वर्ग, एक वर्ग का एक ही आएगा। सो 4 एक 4, 4 चो 1 गया 3, यह आ गया साडा पहला पद। सो पहले दो पदों का जोड़ एस टू, 4 गुणा 2 कटा 2 का वर्ग, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 चो 4 गया 4, यह आ गया पहले दो पदों का जोड़। है दूजा पद नहीं है, एस दो मतलब है दो पदों का जोड़, एस वन क्योंकि एक पद का जोड़ है, एक पद का जोड़ से पहला जोड़ अपने आप ही होएगा, सो इस करके ए एस वन के बराबर ही होंगे है। एस टू में पहला पद भी है तो दूजा पद भी है, सो यह दो पदों का जोड़ आ गया। हूँ दूजा पद का सिंबल की होंगे निशान कहते ए दो, ठीक है, ए दो, तो यदा एक सूत्र भी होंगे एस दो कटा एस वन, याद रखना है। जिहड़ा पद भी कढ़ना है उस पद तक का जोड़ कटा उस तो पिछले पदों तक का जोड़, ठीक है। सो एस दो कटा एस एक, सो एस दो साढ़े को 4 आया, एस एक साढ़े को 3 आया, सो 4 चो 3 गया 1, यह आ गया दूजा पद। हुण इधर चेक भी कर लो, पहला पद 3 ते दूजा पद 1 ते 3 जमा 1 4, दो पदों का जोड़ 4 बनता है, सो साडा जवाब ठीक है। हुण तीजा पद है ए 3, तो ए 3 का सूत्र की होगा बराबर एस 3 कटा 3 चो कटा के 2 एस 2। हुण एस 3 का सूत्र की है ए वाला, इतने एन की जगह 3 पालना है, 4 गुणा 3 कटा 3 का वर्ग कटा, तो तीजा साढ़े को दूजा पद दो पदों का जोड़ साढ़े को है एस 2, एस 2 असी कढ़िया सी इतने वो 4 है, एस 2 4 लिख दिता, ठीक है। सो 4 की 12, 3 की 9, 12 कटा 9 कटा 4, 12 चो 9 गया 3 ते 3 कटा 4 बराबर कटा 1, यह आ गया साडा तीजा पद। हुण असी कढ़ना है अगे दसवां पद ते एनवां पद। हुण दसवां पद कितना आएगा ए 10 बराबर एस 10 कटा एस 9, सो एन की जगह 10 पावे, 4 गुणा 10 कटा 10 का वर्ग कटा हुण एस 9, सो एन की जगह 9 पावे, 4 गुणा 9 कटा 9 का वर्ग, 4 दसे 40, 10 दसे 100, 40 कटा 100, 4 नीम 36, 2 नीम 81, 36 कटा 81, 60, 40 चो 100 गया कटा 60 कटा, ते 36 चो 81 गया कटा 45। सो जेले ब्रैकेट खोलिया कटा कटा जमा हो जाएगा, कटा 60 जमा 45 बराबर कटा 15, यह आ गया साडा दसवां पद, ठीक है। हुण असी एनवां पद कढ़ना है, सो एनवां पद हो जाएगा ए एन बराबर एस एन कटा एस एन कटा 1, यह याद रखना बच्चे सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हुण असी की करांगे बच्चे,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4n - n² ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ n ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ n ਹੈਗਾ ਸੋ 4n - n² ਤੇ ਇੱਥੇ n - 1 ਹੈਗਾ ਸੋ 4n - 1 - n - 1 ਪੂਰੇ ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4n, n ਵਰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਘਟਾ 4n - 4, 4n - 4, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ n ਵਰਗ, ਇਹ ਦੇਖੋ a - b ਪੂਰੇ ਦਾ ਵਰਗ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a ਵਰਗ ਘਟਾ a, ਜੋ a - b ਦਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ a ਵਰਗ ਘਟਾ 2ab ਜਮਾ b ਦਾ ਵਰਗ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ n ਦਾ ਵਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਘਟਾ n ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜਮਾ 1 ਦਾ ਵਰਗ, ਯਾਨੀ ਘਟਾ 1 ਦਾ ਘਟਾ ਏ ਬੀ ਘਟਾ 2 × n × 1, ਸੋ ਘਟਾ 2n ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਮਾ 2n ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਮਾ 2n ਤੇ ਘਟਾ 1 ਦਾ ਵਰਗ, ਜਮਾ 1 ਦਾ ਵਰਗ, ਜਮਾ 1 ਦਾ ਵਰਗ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਘਟਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ n ਵਰਗ ਜਮਾ 2n ਘਟਾ 1, ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 4n ਵਰਗ ਘਟਾ 4n ਘਟਾ n ਵਰਗ ਦੇ ਰਹੇਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 4n ਤੇ ਜਮਾ 2n 6n ਤੇ ਘਟਾ 4 ਤੇ ਘਟਾ 1, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘਟਾ 5 ਤੇ ਘਟਾ n ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਿਆ 4n ਘਟਾ n ਵਰਗ ਘਟਾ 6n, ਇਹ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਮਾ 5 ਜਮਾ n ਵਰਗ, n ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ n ਵਰਗ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗਿਆ ਘਟਾ 2n ਤੇ ਜਮਾ 5 ਹੈਗਾ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਵਾਂ ਪਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 ਘਟਾ 2n। ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਵਾਂ ਭਾਗ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਅਸੀਂ 5.2 ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 40 ਧਨ ਧਨ ਮੈਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਧਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 6 ਨਾਲ ਭਾਜ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ 6 ਨਾਲ ਭਾਜ ਯੋਗ ਸੰਖਿਆ 6 × 1 = 6, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ 40 ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ 6 ਨਾਲ ਭਾਜ ਯੋਗ ਸੰਖਿਆ 6 × 2 = 12, ਤੀਜੀ 6 ਨਾਲ ਭਾਜ ਯੋਗ ਸੰਖਿਆ 6 × 3 = 18। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ, 40ਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 40ਵੀਂ 6 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਸੰਖਿਆ 6 × 40 = 240। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜੀ ਬਣ ਗਈ, 6 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 40 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 6, 12, 18 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ 240 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਸੋ a = 6, ਇਹ 6 ਤੇ d = 12 'ਚੋਂ 6 ਗਿਆ = 6 ਤੇ n = 40, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪਦ an = l = 240, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ sn = n/2 a + l, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, s 40 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵਜੇ 40 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, 40 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 40/2 ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ 20 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 6 × 2 = 240, 246 ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 49 = 20। ਸੋ 6 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 40 ਧਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ = 49 = 20 ਜਾਂ 4020। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10, 11 ਤੇ 12 ਅਭਿਆਸ ਨੰਬਰ 5.3 ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।